हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहाँ पे लाल बटन है, सब्सक्राइब का दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सारे वीडियोस की मिलती रहे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस सेक्टर या स्टॉक या जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आने वाले समय में हर आदमी इंश्योर्ड होना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है ताकि उसके बाद उसके परिवार को किसी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना आए। तो आज की जो हेक्टिक लाइफ है, जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी है आज के जीवन में, तो चूंकि जागरूकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है हमारे भारत देश में, वैसे वैसे लोग जागरूक होते जाएंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ लोग जनरली जहाँ भी रूरल एरियाज़ में या गांव-गांव छोटे छोटे कस्बों में एक बहुत ही प्रचलित है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां और भी आ गई जो टर्म इंश्योरेंस प्लान भी देती हैं। तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि कम प्रीमियम का होता है, छोटी अमाउंट का होता है, तो वो बहुत ही अट्रैक्ट करती, भले उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन टर्म्स प्लान जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर सडन डेथ या फिर कुछ ऐसे हो जाता है तो उसमें एक बड़ी अमाउंट मिलती है जो उस समय की वर्तमान समय की जो महंगाई है उसको बीट किया जा सके। तो एक नज़र मारते हैं हम वेबसाइट पे HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। देखिए टर्म इंश्योरेंस प्लान, ऐसे बहुत सारे इसकी स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, चाइल्ड प्लान हैं, वृद्ध प्लान हैं, बहुत सारे हर एज के लोगों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस हैं, लेकिन यहाँ टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है। तो टर्म इंश्योरेंस में क्या, देखिए RS 492 मतलब 492 रुपये पर मंथ पे करना है। और टर्म्स प्लान्स आर टिपिकली अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्लान्स दैट प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू योर लव्ड वंस इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट्स। HDFC लाइफ प्रेजेंट्स टर्म इंश्योरेंस प्लान्स एंड पॉलिसीज इन इंडिया टू बेस्ट मीट योर नीड्स। तो आने वाले समय में मुझे लगता है इस सेक्टर में, इस इंश्योरेंस कंपनीज में ज़बरदस्त बूम आने वाला है। हर आदमी चाहेगा इंश्योर करना, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही, लोगों के अब हाथ में पावर आ गए, इंटरनेट का लोग समझने जानना शुरू कर दिए। चलिए बढ़ते हैं, हम इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है और आज जो इसका BSE पे 3 अप्रैल 2019 को 4:00 मार्केट क्लोज हो चुकी है। 383 रुपया आज भाव था, क्लोज हुआ 40 पैसे पे, और 3.55 रुपये पे ये बढ़त के साथ। 52 वीक लो बनाया था 344 रुपये, हाई बनाया था 548 रुपये। और ये देखिए यहाँ पे जो चार्ट उपलब्ध है 2 साल का, मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17 नवंबर 2017, मतलब कंपनी अभी 1.25 साल ही हुए इसको लिस्ट हुए, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और हाई इसका गया था यहाँ पे। तो अभी तक ये रिटर्न अभी हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस हिसाब से चार्ट, तो 1 साल का रिटर्न अभी ज़्यादा पॉजिटिव में नहीं है। और आइए हम देखते हैं मार्केट कैप है इसका 77,346 करोड़, 77,346,000 करोड़। पी एम और EPS आगे देख लेंगे। बुक वैल्यू 23.50 को, प्राइस टू बुक है 16.31 की, और इंडस्ट्री पी है देखिए 48.90 की, डिलीवरेबल है 68.42% की, और फेस वैल्यू है 10 की। कंसोलिडेटेड, अच्छा नहीं, स्टैंड अलोन ही है। तो चलिए देखिए इसके जो रिजल्ट्स हैं जो भी उपलब्ध हैं, मार्च 18 में 396 करोड़ की नेट सेल्स थी, जो जून 18 में के क्वार्टर में 319 कम हो गई, और सितंबर 18 में 234 करोड़ गिरी, जो कि लगातार गिरावट है, और दिसंबर 18 में 176 करोड़ की हो गई नेट सेल्स, लगातार गिरावट है लगातार। और नेट प्रॉफिट भी हम देख लेंगे यहाँ पे, देखिए जो मार्च 18 में 346 करोड़ की थी वो जून 18 में हो गई 380 करोड़ की, यहाँ पे बढ़ा था, और सितंबर 18 में 286 करोड़ की, वहीं दिसंबर 18 में 245 करोड़ की, यहाँ भी डाउनसाइड है, नेट प्रॉफिट में भी डाउनसाइड है, और टोटल कर्जा जो डेट है वो ज़ीरो है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखेंगे, ये देखिए प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 80% से ज़्यादा की, 80% से ज़्यादा की, तो ज़बरदस्त इनके पास, प्रमोटर्स पास अपने कंपनी की होल्डिंग है, और पब्लिक और FII और DII टोटल मिला के 19.26% की,
और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, देखिए मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड रेगुलर प्लान, SBI ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड रेगुलर प्लान। तो ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड्स वालों ने इन्वेस्ट कर रखा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसके बारे में, चलिए अभी EPS और वो भी देख लेते हैं क्यों छूट जाए वो। ओ ये देखिए, हाँ देखिए इसका जो पी रेशियो अभी 69.61 का है और अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 5.51 रुपये। तो बाकी चीज़ें हमने देख ली है इसके रिजल्ट्स और चार्ट में जो भी उपलब्ध था, क्योंकि अभी 1.5 साल हुए इसको लिस्ट हुए। लेकिन अभी ये कंपनियां जो भी कुछ कर रही हैं, इनकी मुझे लगता है कि 30-35% एनुअल ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर की हो रही है, ऐसा जो मार्केट में रिसर्च है। तो आने वाले समय में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, जिसके पास लंबा समय है वो इन स्टॉक्स को, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज को जो बेहतरीन कंपनी हो, HDFC की या ICICI की लॉम्बार्ड या ऐसे बहुत सारे, मैं वो भी बनाऊंगा लॉम्बार्ड के ICICI पोटेंशियल की भी। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आज हम नहीं, भले ही हमें 1 साल 1.5 साल में अच्छा रिटर्न ना मिले, लेकिन आने वाले समय में इसी का मार्केट है, हर आदमी इंश्योर होना चाहता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों आप चाहें तो अभी काफ़ी मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे यहाँ पे मिल रहा है 383 रुपीज़ का, तो अभी इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है, भरा जा सकता है। धीरे धीरे फिर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो जाएंगे, फिर डिविडेंड देना शुरू करेंगी कंपनियाँ ये, और डिविडेंड इट्स मस्ट बी डिविडेंड पेइंग स्टॉक। ये देखिए डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड यील्ड है 0.35%। तो आने वाले समय बोनस भी देंगी, और अभी तो ये स्प्लिट भी हो, मान लीजिए भविष्य में होता तो आपके शेयर की जो है क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो लंबे समय की अवधि में इंश्योरेंस सेक्टर ज़बरदस्त करेगा, ऐसा सारे एक्सपर्ट्स का कहना, ऐसा हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का जो चलन चल गया है सब लोग लेना चाहेंगे, और बाकी इंश्योरेंस तो चल ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ज़रूर वीडियो पसंद आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।